जो सवाल पूछा था दो दिन पहले हमारे MLAs के घर पे आके कि आप लोग ने 8 महीने में क्या काम किए, आज हम BJP के पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे आके तमाम DCC के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस पार्टी वर्कर्स तमाम लोग यहाँ पे एक रथ यात्रा करने के लिए, जो 8 महीने में हम क्या काम किए उसके लिए हम लोग AC की गाड़ी लाए हैं ताकि हम उनको पूरा गुलबर्गा लेके फिरे और गुलबर्गा में जो भी अभिवृद्धि हुई है, जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है और हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। न डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ रहे हैं, न सिटी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, न रूरल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ना मेयर आ रहे हैं, ना डिप्टी मेयर आ रहे हैं, मगर वो लोग हॉलोनाइजेशन कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है तो हम कैसा जाएंगे उनके सामने, बल्कि हमको फेस नहीं कर रहे हैं। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. आज हम बीजेपी के पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे आके तमाम DCC के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस पार्टी वर्कर्स तमाम लोग यहाँ पे एक गाड़ी लेके आए हैं रथ यात्रा करने के लिए, जो बीजेपी के MLAs सो गए हैं उनको जगाने के लिए और हमारे डेवलपमेंट के काम जो हम लोग ने उन्होंने सवाल पूछा था दो दिन पहले हमारे MLAs के घर पे आके, नॉर्थ MLA के घर पे और साउथ MLA के घर पे आके वो लोग ने हमसे सवाल पूछा था कि आप लोग ने 8 महीने में क्या काम किए, 8 महीने में हम क्या काम किए उसके लिए हम लोग ने गाड़ी लाए हैं जिसमें सोने के लिए भी उनके लिए जगह है, रिलैक्स करके लिए AC की गाड़ी लाए हैं ताकि हम उनको पूरा गुलबर्गा लेके फिरे और गुलबर्गा में जो भी अभिवृद्धि हुई है, जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है और हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। BJP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहो या सिटी प्रेसिडेंट रहो, वो हमको फेस करने तैयार नहीं है और हमसे आके बात करने तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है कि ये लोग ने 8 महीने में इतना काम किया है ये सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, हम उसका क्या जवाब देंगे, क्या फेस करेंगे। तो वो लोग कुछ गिने चुने लोग को, जैसे मेयर को, डिप्टी मेयर को, सिटी प्रेसिडेंट को लेके आए कि सिर्फ एक हवा बना रहे हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो जब हुकूमत में थे वो 40% खाने में बिजी थे, 40% को संभालने में बिजी थे, 40% को बचाने के में बिजी थे, अभिवृद्धि का काम नहीं किए हैं, डेवलपमेंट का काम नहीं किए हैं। तो आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक यात्रा लेके आए हैं और परसों आपने सुना होगा कि हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर, मेडिकल मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने ट्रॉमा सेंटर की ओपनिंग किया और ट्रॉमा सेंटर की ओपनिंग में स्पीच में उन्होंने वो ट्रॉमा सेंटर की रियलिटी बताया कि जब ये ट्रॉमा सेंटर इनिशिएट किया गया था कांग्रेस पार्टी की सरकार से लास्ट टाइम, बीच में कुछ दिनों के लिए BJP सरकार आई थी, तो तब डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने साहब ने जब 50 करोड़ अलग से निकाल के रखा था ट्रॉमा सेंटर के लिए, ये BJP सरकार आने के बाद ने वो 50 करोड़ को भी मिसयूटिलाइज करके दूसरी जगह फंड डाइवर्ट करके ट्रॉमा सेंटर का काम नहीं किया, जिसकी वजह से फिर वापस वही मिनिस्टर बनने के बाद वो आज कंप्लीट हुआ है और परसों ओपनिंग भी है। ऐसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ना सिटी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ना रूरल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ना मेयर आ रहे हैं, ना डिप्टी मेयर आ रहे हैं, ना उनके कोई कॉर्पोरेटर्स आके ये कांग्रेस पार्टी के साथ जाके अभिवृद्धि का काम देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है सर, नया नीति? उनको मालूम है कि हम लोग ने बहुत काम किए हैं। अभी आप बताइए उनकी सरकार और हमारी सरकार को अंपायर कीजिए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं मॉर्निंग 9:30 to 11 o'clock पब्लिक से मिलते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, वेदर गुलबर्गा रहो, बेंगलुरु रहो, सुबह टाइम पब्लिक को देने के बाद वो बाकी अपने ऑफिशियल काम के लिए चले जाते हैं। ये डेली का प्रोसेस है। कौन सा मिनिस्टर ने कभी फॉलो किया था ये प्रोसेस? आज तक BJP का कोई मिनिस्टर ने फॉलो नहीं किया, कभी पब्लिक मीटिंग ऐसा, पब्लिक ग्रेवेंसेस कभी एवरी मॉर्निंग नहीं लिया है। इरेस्पेक्टिव ऑफ सैटरडे संडेज इज अवेलेबल फॉर द ग्रेवेंसेस ऑफ द पब्लिक। वो लोग कह रहे हैं लेटर में हमने जनता की ओर से सवाल पूछा था, तो जवाब जनता को देना चाहिए इस तरह की तो जनता को ही जवाब दे रहे हैं। आपके माध्यम के थ्रू हम जवाब जनता ही दे रहे हैं। हम उनके लिए तो गाड़ी लाए हैं, मीडिया के माध्यम के थ्रू हम जनता को ही जवाब दे रहे हैं, मगर उनके लिए हम गाड़ी लाए हैं जिसमें वो बैठना चाहिए और अभिवृद्धि का काम देखना चाहिए, मगर वो लोग हॉलोनाइजेशन कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है तो हम कैसा जाएंगे उनके सामने, बल्कि हमको फेस नहीं कर रहे हैं। सर गाड़ी तो लाए हैं, अभी क्या लगता है कोई आएगा क्या होगा? आएगा तो लोगों के सामने पूरा क्लीन चिट पता मालूम हो जाएगा कि अभिवृद्धि का काम क्या हो, नहीं हुआ तो पब्लिक समझ में आएगी कि फिर बेवकूफ बना रही है BJP पार्टी। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.